हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि ग्राफिक डिजाइनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे फ्री होने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाले टूल्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जो सबसे पहला टूल रहने वाला है वो रहेगा कैनवा। अब कैनवा मेरा पर्सनल फेवरेट टूल है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना चैनल लोगो, जो भी हमारे पास चैनल का थंबनेल रहता है, वो सारी चीजें खुद डिजाइन करता हूँ। तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल टूल रहने वाला है अगर आप लोग जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो तो। और ये टोटली फ्री रहने वाला है। इसमें कुछ फीचर्स है जो प्रीमियम में रहते हैं, बट यहाँ पे जो मोस्टली चीजें आप लोग फ्री में डेवलप कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे लोगो, फ्लायर, बैनर, रिज्यूमे, इन्विटेशन वगैरह, ये सारी चीजें खुद डिजाइन कर सकते हो। एंड ये टोटली फ्री रहने वाला है। तो अगर अनलेस आप लोग इनके जो भी प्रीमियम एसेट्स हैं उनको यूज नहीं करते हो, तो ये वाली जो वेबसाइट आप लोगों के लिए टोटली फ्री रहने वाली है। तो आप लोग जो भी अगर अपना जो भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप लोग लोगोज वगैरह बनाना चाहते हो, जो भी थंबनेल्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनको क्लाइंट्स चाहिए, तो वो आप लोग इस वाले सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हो। क्योंकि ये वाला सॉफ्टवेयर, इसके अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स खुद अपने जो भी थंबनेल्स वगैरह खुद क्रिएट करते हैं। मैं भी अपने थंबनेल्स वगैरह यहीं पे क्रिएट करता हूँ। तो आप लोग इस वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट टूल रहेगा वो रहेगा फिग्मा। अब फिग्मा उन लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है जो कि वेबसाइट डिजाइन की फील्ड में जाना चाहते हैं, जो कि एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को मॉकअप डिजाइन करने हैं, या फिर आप लोगों को बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के डिजाइन क्रिएट करने हैं, आप लोगों को एक टीम का हिस्सा बनना है, तो आप लोग इस वाले सॉफ्टवेयर का आसानी से यूज कर सकते हो। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है टोटली फ्री रहने वाला है, और ये इंडस्ट्री का नंबर वन सॉफ्टवेयर है अगर हम डिजाइनिंग के बारे में बात करें। अगर हम हमारी खुद की कंपनी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम लोग फिग्मा का ही यूज करते हैं अपनी जो भी वेबसाइट के मॉकअप डिजाइन क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है वेबसाइट डिजाइनिंग की फील्ड में, तो आप लोग इस वाले सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। एंड दिस इज द नंबर वन सॉफ्टवेयर, मैं अगेन ये बात बोल रहा हूं। सो प्लीज कंसीडर दिस सॉफ्टवेयर अगर आप लोगों को वेबसाइट या फिर जो भी आपको एप्लीकेशन डिजाइनिंग की फील्ड में जाना है। द नेक्स्ट टूल इज गोइंग टू बी sketch.com। अब स्केच उन लोगों के लिए जिनके पास मैक की मशीन्स हैं। अगर आप लोगों के पास एक मैक की मशीन है, आप लोग फिग्मा वहां पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को एक नेटिव ऐप चाहिए वहां पे, तो आप लोग स्केच का यूज कर सकते हो। अब स्केच सिमिलर है फिग्मा के साथ, यहाँ पे भी सिमिलर फंक्शनैलिटीज मिलती है आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक नेटिव ऐप यूज करनी है, तो आप लोग यहाँ पे स्केच यूज कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट वेबसाइट रहने वाली है वो रहेगी इंस्पिरेशन के लिए। अब आप लोगों को एक वेबसाइट डिजाइन क्रिएट करना सीखना है, तो आप लोगों को इंस्पिरेशन भी कहीं से लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी एक हाई लेवल ग्राफिक डिजाइनर भी है, तो वो भी इंस्पिरेशन लेता है। तो आप लोगों को इंस्पिरेशन के लिए एक साइट बतानी थी मुझे, तो ये रहेगी dribbble.com। dribbble.com इज द नंबर वन साइट फॉर वेबसाइट डिजाइन। अगर आप लोगों को वेबसाइट डिजाइन देखने हैं, कोई भी मोबाइल ऐप के डिजाइन देखने हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एक डिजाइन चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट सर्च करूंगा, एंड उसके रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं। अगर आप लोगों को एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना है, आपके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग उनकी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक टेम्पलेट चूज कर सकते हो, एंड उसको देख देख के सिमिलर एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाली वेबसाइट उन लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है जो कि एक वेबसाइट डिजाइन की इंस्पिरेशन को ढूंढ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वेबसाइट इज गोइंग टू बी mobin.com। अब mobin.com उन लोगों के लिए है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन की फील्ड में जाना चाहते हैं, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन खुद डेवलप करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो इंस्पिरेशन का पार्ट है, वो mobin.com पूरा करता है। अगर आप लोगों को जो भी बड़ी एप्लीकेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उन लोगों की डिजाइन चाहिए, अब आप लोग खुद तो देखने बैठोगे नहीं कि हर एक ऐप का डिजाइन जो भी रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के डिजाइन मिल जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पे कोई भी बड़ी एप्लीकेशन का डिजाइन जो भी है सर्च करना है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे नेटफ्लिक्स का डिजाइन देखना है, तो मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स का डिजाइन जो है सर्च कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे मेरे पास नेटफ्लिक्स के जो भी ऐप है उसके सारे स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को एक सिमिलर फीचर डेवलप करना है, तो आप लोगों के लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिमिलर बिल्कुल अगर आपको जैसा फीचर डेवलप करना है, अब आप लोगों को एक मोबाइल फोन साइड में रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो डिजाइन को, सिमिलर आप लोग मोकअप कर सकते हो उसको फिग्मा या फिर स्केच के अंदर, कि आप जैसे भी आपको एक डिजाइन चाहिए मोबाइल ऐप का, इससे सिमिलर इंस्पिरेशन ले सकते हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टूल फॉर दोज हु आर गोइंग टू बिकम मोबाइल ऐप डिजाइनर्स और डेवलपर्स। सो या गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जाना, जिनके थ्रू आप लोग फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्पिरेशन वाला पार्ट भी कवर अप किया गया, यहाँ पे आप लोगों का डेवलपमेंट वाला पार्ट भी कवर अप किया गया। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज रहती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।